नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो लेकर फिर आप लोग को भी आई हूँ। तो प्लीज हमारे चैनल पे, जिन लोगों ने हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हर वीडियो आपको दोस्तों हमारा हाथ से भी मिलती है। बगल में दोस्तों लाल घंटी है, दबाना आप लोग ना भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे देख रहे हैं नवरात्रि आ गया है दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं नवरात्रि के लिए हमने 4-5 घंटे इसको रात में हमने भिगो के साबुदाने को रख दिए थे। तो साबुदाने को दोस्तों सबसे पहले 3-4 पानी अच्छे से धोना चाहिए, जाके इसकी पॉलिश जो है छूट जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 3-4 पानी हमने धोकर उसके बाद साबुदाने को छप छप पानी करके रख दिए थे। उसके बाद दोस्तों साबुदाना हमारा देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल हो गया है, आप लोग देख सकते हैं हाथ से मला जा रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर साबुदाना हमने ले लिया, आज खिचड़ी इसके बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बड़े साइज में टमाटर को काट के रखे हैं, 2 पीस आलू यहाँ पर काट के इस तरह से कुछ आलू को मोटे साइज में काटे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि मूंगफली के दाने 50 ग्राम, यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 चम्मच जीरा है, 2 हरी मिर्ची, धनिया पत्ती। यहाँ पे दरदरे मूंगफली को हमने भूनकर इस तरह से पीस लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं व्रत वाला नमक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने घी लिए हैं। उसके बाद 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जैसे कि चीनी लिए हैं। चीनी लेने से रहता है जो हमारी खिचड़ी बनता है खट्टे मीठे थोड़ा बनता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आग जल गया, इसमें हम डालेंगे घी को। यहाँ पे 3 चम्मच हमने बड़े चम्मच से घी को ले लिए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे जीरे को। जीरा इधर चटक रहा है हमारा, तो इसमें हम हरी मिर्ची कटी हुई डाल देंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि आप मूंगफली के वहाँ पे हम पीस के रखे हैं, तो मूंगफली को हल्के से भूनकर उसके छिलके उतार कर उसके बाद पीस लिए थे हम। अब यहाँ पे इसके सबसे पहले हम इसमें मूंगफली भूनेंगे। इधर मूंगफली भुना रहा है तो इधर देख रहे हैं कि जैसे कि साबुदाना देख रहे हैं हमारा बिल्कुल भर भरे यहाँ पर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने भर भरे यहाँ पर साबुदाना है बिल्कुल एकदम। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई मूंगफली को, साबुदाने में पिसी हुई मूंगफली को डालकर अच्छे से हम मिलाएंगे। इसको डालने से दोस्तों जैसे ये रहता है कि एक दूसरे में जो साबुदाना चिपका रहता है, तो मूंगफली पिसी हुई डालेंगे हम, ये अलग अलग हो जाता है। अब इसमें इसी तरह से डालकर मिला लिए अच्छे से। अब इधर मूंगफली चटक रहा है तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए आलू को। आधे चम्मच यहाँ पे चीनी को भी इसके साथ में हम डाल दे रहे हैं, चीनी को भी डालकर इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल भर भरे एकदम साबुदाना यहाँ पर तैयार हो चुका है खिचड़ी के लिए। हमने इसी तरह चलाते हुए आलू को भी अच्छे से हमने भून लिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आलू हल्के से भुना गया है, यहाँ पे कट भी रहा है आलू। इसी तरह 2-3 मिनट और आलू को भून लेंगे अच्छे से। आप इसे तड़के दे रहे हैं तो अदरक भी छोटे टुकड़े में खलबट्टे में दरदरे कूट के डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अदरक नहीं डाले हैं, बस जीरा मिर्ची के तड़के दिए हैं। फिर हम डालेंगे साबुदाने को। साबुदाने को डालने के बाद से अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से। तो अभी तो इस तरह से हमने मिला लिए। अब इसमें हम डालेंगे व्रत वाला नमक। तो नमक जब भी डालिए अपने स्वाद के अनुसार से डालिए, आप कम बेसी जैसे खाते हो। जैसे देखते हैं कि हल्दी जैसे रहता है वो अन्न माना जाता है, व्रत में नहीं खाया जाता है। तो आप इसमें फ्रूट कलर भी डाल सकते हैं, जैसे देखते हैं मार्केट में बहुत आसानी तरीके से किराना दुकान पर मिल जाता है। तो आपको कलर वाला खिचड़ी पसंद हो तो आप इसमें हल्के से कलर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लिए। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर को। आप व्रत में टमाटर खाते हो खट्टे, तो आप इसमें डाल सकते हैं। धनिया को भी डालकर अच्छे से मिला लिए इसमें।
अब इसको 2 मिनट इसी तरह ढककर हम अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साबुदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो हमारा आपको दोस्तों हर समय पर मिलते जाए। यहाँ पर हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं, फिर हम नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।